इसका कैमरे की क्वालिटी देखो कितना खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि पानी है पानी। सॉन्ग भी लगाए तो ये कौन सा सॉन्ग दे रहा है, पुराने जमाने का। वाह, ये हल्का हल्का हाथ भी कप रही है क्योंकि फोन पकड़े है इतना महंगा वाला। तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, दे देंगे। पास का फोन होगा तो जरूर दे देंगे। अभी दुर्गा माता अपने घर के पास पहुंच चुकी है और पटाखा फोड़ा जा रहा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अभी जस्ट स्कूल के लिए रेडी हो गए थे एंड सुबह सुबह नहा धोवा कर बाहर आए थे और बाहर ये देख रहे हो कितनी तगड़ी धूप निकली है। जस्ट भाई सर के ऊपर ही सूर्य भगवान सुबह सुबह इतनी तगड़ी वाली निकल जा रहे हैं। सुबह सुबह नहा कर गोरे छिट्टे होकर स्कूल जा रहे हैं और पता चल रहा है वहाँ से आते आते पूरा वेस्ट इंडीज वाले ब्लैक ब्लैक नहीं दिखते, सब वैसे दिखने लग रहे हैं, पूरे काले हो जा रहे हैं। बहुत ही तगड़ी वाली बाहर धूप निकल रही है, इसीलिए धूप में बहुत कम निकलने को मन कर रहा है, लेकिन स्कूल है तो जाना ही पड़ेगा। अरे इसको देखो ये बालू में क्या कर रही है, क्या कर रही हो, स्कूल नहीं चलोगी? किसका वॉच है, तुम्हारा है? जिसका घर बनता है ना उस घर के बच्चे बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि गिट्टी बालू सब घर के पास आया रहता है, तो उसी में खेलते हैं सब। बालू को कभी घर बनाते हैं सब, कभी अपना चेहरा ही उसमें बनाते सब, मस्ती मजाक करते रहते हैं सब। वैसे अभी फटाफट निकलते स्कूल के लिए, यहाँ पर कौन है पूरे दिन बकबक करता रहता है, ब्लॉग ढंग से कर ही नहीं पाते, फिलहाल निकलते स्कूल। अब आकर क्यों देख रही है हमको, खाओगी क्या हमको, जाओ घर जाओ, चप्पल नहीं पहनी हो, गंदी बच्ची बन चुकी हो, हाँ गंदी हो, गुड़गल बन, जाओ चप्पल पहन कर आओ। तो वो अभी फिलहाल स्कूल से पढ़कर घर पे आ गए थे और घर पे आते आते पहले तो हाथ पैर धुले हैं और यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि इतनी बाहर गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी कह रहे थे ना वहाँ से आएंगे तो ब्लैक हो जाएंगे, ब्लैक दिख रहे होंगे क्योंकि बाहर बहुत ही तगड़ी वाली धूप निकली पड़ी है। और आज निकलने वाले थे कोचिंग बट आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि पापा घर पे हैं नहीं, तो जिसकी वजह से एक काम है वो हमको करना पड़ेगा और आज हम कोचिंग नहीं जा पाएंगे। अभी तो फिलहाल आए स्कूल से और यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ खाएंगे और फिर निकल जाएंगे काम के लिए। चेहरा और धुले ना फिर भी ऐसा लग रहा है कि पूरा अंदर से शरीर हीट हो चुका है, आग फेंक रहा अंदर से आग। और वो क्या कर रहा है वहाँ पर कछुआ, वो कोने में जाकर पत्थर इधर उधर फेंक रहा है, अंडा देगा क्या, अकेले तो क्या ही अंडा देगा, उसका एक साथी रहता फिर अंडा देता तो पता चलता है अंडा देगा। ओ भाई कैमरे के जस्ट आ गई, ऑरेंज वाली बहुत ही प्यारी लगती है, कछुए के साथ खेलती रहती है पूरे दिन, ये वाइट वाली ऊपर ही चलती रहती है। ये छोटी सार्क है, ये बड़ी होगी तो हमको भी खा जाएगी। सार्क भाई सबको नुकसान पहुंचाती है, लोग अपने मालिक को भी, तो ये बड़ी होगी तो हमको खा जाएगी, बड़ी होगी तो इसमें फंस जाएगी, इसके लिए दूसरा जाल लाना पड़ेगा। जब बड़ी होगी फिर देखा जाएगा। अभी फिलहाल टीवी चालू करके देखते हैं मैच चल रहा है कि नहीं, आज शायद नहीं होगा, चलो देख लेते हैं आज मैच है कि नहीं, पता चल जाएगा। अगर मैच होगा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे और फिर कुछ खाते रहेंगे। नहीं भाई आज मैच ही नहीं है, वरना यहाँ पर जरूर दिखाता लाइव, अरे इस पे लगाएंगे तो जरूर ही देगा, इस पे तो हाईलाइट दिखाता रहता है हर वक्त। क्या है ना न्यूजीलैंड बांग्लादेश का हाईलाइट दिखा रहा है ना, श्रीलंका और एच कौन है, एच कौन सा देश है ये तो हमको नहीं मालूम, अगर मालूम होगा तो कमेंट में जरा बता देना। श्रीलंका तो समझ गए, एच पता नहीं हैदराबाद है क्या, हैदराबाद थोड़ी नहीं होगा क्योंकि हैदराबाद तो आईपीएल में रहता है। चलो अभी टीवी बंद कर देते हैं वरना सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग सुनकर मजे करेंगे और क्या। सॉन्ग भी लगाए तो ये कौन सा सॉन्ग दे रहा है पुराने जमाने का, वाह सोचे कोई अच्छा सॉन्ग दे रहा होगा, ये तो सबसे अच्छा सॉन्ग दे रहा है, अब इससे बढ़िया और क्या ही देगा, किस्मत आज खराब लग रहा है थोड़ा। ये सब हमको सॉन्ग सुनाएंगे सब, गाओ ही अपना गाना। मीटू भुट्टा गाओगे भुट्टा, मीटू ये कैसे काट रहा है वो भाई, पकड़ मत। जब भी ब्लॉग करते हैं ना तो पीछे से टे 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 करते रहते हैं सब, हमको डिस्टर्ब करते हैं सब दोनों के दोनों ही। मीटू उन लोग को भी भूख लगी होगी इसीलिए पीछे से टे टे कर रहा है सब। अभी चलते उन लोग भी कुछ डालते हैं और पहले कुछ खाते हैं हम भी क्योंकि सुबह सुबह स्कूल कुछ खा कर नहीं गए थे। और इस टीवी को बंद कर देते क्योंकि सॉन्ग जो चल रहा है ना बहुत ही घटिया वाला चल रहा है। ओ माय गॉड ये चश्मा कहाँ पर गिरा पड़ा है, वहाँ से यहाँ पर कैसे गिर गया, टूटा नहीं ना है, नहीं गंदा हो गया लेकिन टूटा नहीं है, चलो बच गया है,
वरना गिर कर ये सब चश्मा टूट जाता है। इसको यूज भी नहीं कर रहा है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, दे देंगे, कोई यूज कर लेगा पहन कर। आजकल कहीं अच्छी जगह पे जा ही नहीं पा रहे जिसके वजह से इसको पहन कर जाए, वरना जाते हैं बाहर तो इसको ज़रूर पहन कर जाते हैं। चश्मा तो बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, अगर पास का कोई होगा तो ज़रूर दे देंगे। अभी हम जा रहे थे एक काम से बाहर, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दें, आकाश भाई फ़ोन ऑर्डर किया था, आकाश का फ़ोन आ गया। ये देखो कौन सा फ़ोन ऑर्डर है, आप देख कर बता सकते हो, आगे से पीछे से देखोगे तो समझ जाओगे। पकड़ने में भी डर लग रहा है क्योंकि भाई महंगा वाला फ़ोन है, गिरेगा तो दिल पे हट होगा। ये देखो कौन सा फ़ोन है, गूगल पिक्सल है। इसका कैमरे का क्वालिटी दिखा, इसका कैमरे की क्वालिटी देखो कितना ख़तरनाक है, ऐसा लग रहा कि पानी है पानी। आदित्य सामने खड़ा है, एक फ़ोन के अंदर दूसरे फ़ोन को देखो, कई कई आदित्य खड़ा है, दो दो आदित्य खड़ा है। इसका कैमरा देखकर भाई शॉक्ड हो गया, इतना मस्त आ रहा है ना, मन कर रहा है इसी से ब्लॉग रिकॉर्ड करें अभी, बट अभी नहीं करेंगे, कहीं पर जाना रहेगा ना, फिर आकाश के फ़ोन से मस्त रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हल्का हल्का हाथ भी कप रही है क्योंकि भाई डर लग रहा है फ़ोन पकड़े हैं इतना महंगा वाला। तो अभी भाई एक काम से जा रहे थे बाहर और आकाश का फ़ोन देख लिए हैं, आया अभी तुरंत, ऑर्डर किया था गूगल पिक्सल 7 तो वही आया है। देखिए इतना मस्त कैमरा क्वालिटी है, कुछ हो ही मत भाई, देख कर तो मजा आ गया, दिल आ गया उसके ऊपर। हम भी एक फ़ोन आज ऑर्डर करते हैं चलकर, और फिर मेरा भी कुछ दिन में आ ही जाएगा। चलो आकाश का फ़ोन अपना फ़ोन समझ लो, भाई का फ़ोन अपना ही फ़ोन ना होता है, कभी भी ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल आ गए हैं बाहर से काम करके घर पे, और घर पे आते हैं तो भाई अंधेरा हो गया, बाहर कोचिंग से भी आते हैं तो अंधेरा हो गया, बाहर बच्चे कितने शोर किए हैं सब, यार क्या कर रहे हैं सब, रात के वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं सब। ओ भाई, और रात को इन लोगों की क्रिकेट चल रही है, वाह, कागज़ को बॉल बना खेल रहे हैं सब। जब भी क्रिकेट खेलते हैं सब ना बहुत ही शोर करते हैं सब, बहुत ही ज़्यादा, देख रहे हो पीछे की साइड कितनी शोर हो रही है, आराम से नहीं खेलते सर, चिड़ा चिड़ा खेलते हैं सर, जैसा IPL में नहीं होता है चौका लगता है तो भाई पूरी ऑडियंस चिड़ाने लगती है, वैसे ही ये सब खुद का ऑडियंस है सब, और खुद का ही प्लेयर है सर, खुद ही मारते हैं तो खुद ही चिल्लाते हैं सब। तो गाइस अभी फ़िलहाल निकले हुए थे लोग बाहर, और बाहर का मौसम यार क्या ही प्यारा हुआ है, और अभी कभी से बैठे हुए थे लोग पीछे दुर्गा माता का पंडाल सज रहा है वहीं पर, और अभी कुछ ही देर में दुर्गा माता का मूर्ति आने वाला है, फिर उसके बाद से वापस श्रृंगार होना स्टार्ट हो जाएगा और कई दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक? बस 2 दिन नवरात्र से श्रृंगार चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद सप्तमी के दिन खुलेगा। नवरात्र जिस दिन से स्टार्ट होगा ना उस दिन से यहाँ पर भीड़ होने लगेगी। अभी कुछ ही देर में आ जाएंगी दुर्गा माता अपने घर पे, तो हम लोग चला जाएगा वहाँ पर, आप सभी को भी दिखाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कुछ ज़्यादा ही रात मत हो जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पास में ही गाड़ी है, गाड़ी से आ रही है ना, चल कर नहीं आएंगे, उनको लाना पड़ता है बढ़िया तरीक़ा से, तो गए लोग कई लोग लाने के लिए, तो अभी कुछ देर में ला देंगे लोग, तो फिर आपको दिखाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कोशिश करेंगे बाहर रुकने का, जितना जल्दी आ जाए उतना मेरे लिए सही होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रात हो जाएगी ना, फिर घर जाएंगे तो डांट सुनने लगेंगे, सोच रहे जल्दी आ जाए दुर्गा माता, आज अगर नहीं भी दिखा पाए तो कल ज़रूर दिखाएंगे आप सभी को। अभी तो इसी तरह घूमने के लिए निकले हुए थे बाहर, बट आज घूमने का मन भी नहीं कर रहा है, कभी तो पंडाल में बैठ कर मस्ती कर रहे लो, वहाँ पर बांस लगाया ना, बांस पे झूला झूल रहे लो, एक्सरसाइज होता है एक्सरसाइज कर रहे लो, बीम जो खींचा जाता है ना बीम खींच रहे लो बांस को पकड़ कर। अभी यहाँ पर देख सकते हो दुर्गा माता का मूर्ति आ चुका है, अभी दुर्गा माता अपने घर के पास पहुँच चुकी है और पटाखा फोड़ा जा रहा है। भाई वहाँ पर मूर्ति आ गई थी और वहाँ से मूर्ति देखकर निकल गए हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और घर भी जाना था,
तो अभी थोड़ा उतरने में मुझे टाइम था, तो एक भाई से बोले भाई थोड़ा तुम ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेना जो कि हम आपको दिखा सके। अभी फिलहाल हम चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वहाँ पर वहाँ पर पहन का ब्लॉग रिकॉर्ड करने में क्या बोलना है।